अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स, वो भी एयर फ्रायर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए आपने 2 अदद आलू लेने हैं और उन्हें अच्छे से बॉईल कर लेना है, यहाँ तक कि वो गल ना जाए। फिर आपने उन्हें मैश कर लेना है। फिर मैंने साबित धनिया, साबित लाल मिर्च और जीरे को रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला था। फिर आप इसमें 1 टीस्पून या हसबे ज़ायका नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और 1 टेबलस्पून मैदा डालना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, यहाँ तक कि वो डो घी फॉर्म में आ जाए। फिर आप उसमें से थोड़े थोड़े छोटे पीस उठा के उनको अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने इसे ओवल शेप में बनाया था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्रायर में आ सके। आप इसे सर्कल भी बना सकते हैं। फिर आप इनके चारों तरफ हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद इन्हें प्री हीटेड एयर फ्रायर में रख लीजिए। एयर फ्रायर का टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिए और टाइमर 15 मिनट का लगा लीजिए। आपके एयर फ्रायर में बने हुए हेल्दी आलू के कटलेट्स तैयार हैं। इन्हें आप केचप या चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।